पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के 6 टिप्स, इसके बारे में बातचीत करते। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक गैकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। कभी सारे लोग आते हैं कि बोलते हैं हमारी एनर्जी लो है, नर्वस लगता है, डिप्रेस लगता है, क्या करे। तो इसमें कुछ बातें आपको बताता हूँ। ये 6 टिप्स है, जो आप अपनाते हैं तो काफ़ी सारी एनर्जी आपको आ जाएंगी, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी रहेंगी और वो एनर्जी के साथ में आप सफल हो जाएंगे। नंबर एक, क्या है कि आपको आपका निश्चय जो है, कमिटमेंट, वो बहुत जरूरी है कोई भी काम के लिए। तो आप कोई भी काम करने के लिए यदि आप कमिटमेंट से करते हो तो बहुत आपका मतलब ये बहुत ही एनर्जी आ जाएंगी, बहुत उत्साह से आप काम करेंगे। तो कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है कि आपका निश्चय है और दृढ़ निश्चय है। देखो, आपको जो चाहिए वो कभी नहीं मिलता, आपको जो चाहिए ही चाहिए वो मिलता है। मतलब नो मैटर व्हाट, मैं उसके सिवा चला के लूंगा नहीं, ये तो चाहिए ही चाहिए, ऐसा जब रहेगा और वो आपका कमिटमेंट है तो मिलता है। और जब आपका कमिटमेंट है कोई भी चीज करने के लिए तो आपको बहुत एनर्जी आपके दिमाग में आ जाएंगे, आपके शरीर में आ जाएंगे और आप बहुत एनर्जी से काम कर सकेंगे और वो पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। नंबर दो है कि आपको उत्साह लाना पड़ेगा, उत्साह, जोश, जुनून काम करने का। क्या होता है कि ऐसा बोला जाता है कि आपको उत्साह नहीं है तभी भी उत्साह लाओ, उसका ड्रामा करो, फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक आपको फेक नहीं करेंगे तब तक आपको आएगा नहीं। तो उत्साह है, उत्साहित हूं, ऐसा आपको बताना पड़ेगा, वैसा आपको पोज करना पड़ेगा, बार बार वैसा होना पड़ेगा। और जब ऐसा आप करेंगे तो आपको बहुत एनर्जी आप में आ जाएंगे और बहुत एनर्जी के साथ में आप काम कर सकोगे। तीसरा जो है वह है आपको पेशेंस, यानी धीरज रखना पड़ेगा। धीरज बहुत जरूरी है और धीरज रखते हैं तो आपको फल मिलता है। जैसे ही फल मिलता है तो आपको एनर्जी बढ़ जाती है। क्या होता है कि धीरज रखा, दिमाग शांत रखा, ऑब्जर्व किया, जो भी मिल रहा है उसके तरफ देखे, ऑब्जर्व किया, धीरज रखा, क्या क्या मिल रहा है उसको ऑब्जर्व करके शांति रखे और पेशेंस से थोड़ा समय दिया। समय देना मतलब शांति रखना और समय देना टाइम देना। क्या होता है कि हम टाइम देते नहीं, हम इंस्टेंट, हमको सब चाहिए, इंस्टेंट इज नेवर कॉन्स्टेंट। 1000 दिन आप कोई भी चीज के फल आने को रुकने को तैयार है क्या? और आप 1000 दिन रुकने को तैयार है तो डेफिनेटली आप शांति से यदि आप रुकते देखते हो तो आपको फल डेफिनेटली मिल जाएगा। तो धीरज रखना बहुत जरूरी है, पेशेंस जो है वो रखना जरूरी है। पेशेंस रखते हैं तो आपको फल मिलेगा, आपको फल मिलेगा तो आपको एनर्जी आ जाएगी। धीरज जो है वो आपको एनर्जी भी देता है। नंबर 4, कर्म करना बहुत जरूरी है। कर्मण्येवाधिकारास्ते का रास्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब आप कर्म करते हो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलते जाता है। आपको थोड़ा भी सक्सेस मिला आपकी एनर्जी बढ़ते जाएंगे। क्या होता है कि ऐसा बोला जाता है कि जब बहुत बड़ा काम है तो उसको टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड करो। टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, क्या होता है कि थोड़ा काम कर दिया आपको सफलता मिलती है, फिर थोड़ा काम कर दिया सफलता मिलती है। क्या थोड़ी सफलता मिल गई ना, आपके फील गुड हार्मोन सिक्रेट हो जाते हैं। जब आपके फील गुड हार्मोन सिक्रेट हो जाते हैं, डोपामिन जैसे हार्मोन जो है वो ब्रेन में सिक्रेट होते हैं, तो आपको बहुत एनर्जी उससे मिलती है और आप अधिक जोर से काम को लगते हैं। तो इसलिए कर्म करो, छोटे छोटे कर्म करो जो आपको आपके गोल की तरफ लेके जाएंगे। ऐसे कर्म की जो आपको आपका जो अंतिम ध्येय है, उद्देश्य, वहां लेके जाएंगे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए 5वां पॉइंट है वो फोकस रखना पड़ेगा। फोकस मतलब काफी सारे चीज को नहीं बोलना। देखो, आप सब 50 चीजें करते रहोगे, 50 चीजें के ऊपर आपका ध्यान है, होगा क्या है, फोकस नहीं है। और फोकस नहीं है तो आपको जो चाहिए मिलेगा नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, जो आपका गोल है, जो आपका उद्देश्य है, जहां आपको जाने का है वहां पूरा फोकस है और उसके प्रति आप कृति कर रहे हैं। जब आपका फोकस वहां है आपको रिजल्ट मिलते जाएंगे, आपको एनर्जी आते जाएंगे। तो पूरे फोकस के साथ में आपको काम करना पड़ेगा और जो फोकस है उसके तरफ आप 100% देते हो और बाकी काफी सारे डिस्ट्रैक्शंस जो आते हैं वो डिस्ट्रैक्शंस को आप ना बोलते हो तो देखिए कितनी एनर्जी आपको आ जाएंगे, क्योंकि आपकी पूरी एनर्जी फिर एक ही जगह लगेगी, रिजल्ट मिलते जाएंगे और आपकी एनर्जी और बढ़ेगी। 6वां पॉइंट है कि आपको मेंटर या कोच होना जरूरी है। क्या होता है कि कोच या मेंटर जो रहता है, जो गुरु रहता है, वो आपके ब्लाइंड स्पॉट्स आपको बताता है, आपके अंधबिंदु आपको बताता है। और आपके अंधबिंदु आपको दिखते नहीं है, वो अपने बाजू वाले को दिखते हैं, आपको जो कोचिंग कर रहा है, जो आपको सिखा रहा है उसको दिखते हैं। आपको उसको मालूम है कि आप में क्या मिसिंग है, क्या आप करते हो तो उसमें
आप सफलता पा सकते हो। तो आपको ऐसा होना व्यक्ति की जो आपको काम पड़ा तो उंगली पकड़ के आपको उठाएंगा भी, और नहीं तो फिर आपसे काम भी करवा के लेंगे, आपको होल्ड टू अकाउंट करेगा, आपके जो भी पॉइंट्स है उसको क्रिटिसाइज भी करेगा, और जो भी है जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हो उसको सॉल्व करने के लिए आपको रास्ता बताएंगे और आपको अंतिम उद्देश्य तक लेके जाएंगे। तो आप कोच रखते हो, मेंटर रखते हो, तो डेफिनेटली आपको बहुत एनर्जी आ जाएंगी, क्योंकि आपको क्या है, कोच क्या करता है, कोच का एक ही काम रहता है कि आपको जिताना, और आप जीतते जाते हो तो आपको एनर्जी और आते रहती है और आपकी एनर्जी और बढ़ती जाती है। तो ये 6 पॉइंट आप रखते हैं तो डेफिनेटली ये 6 टिप्स से आपको पॉजिटिव एनर्जी आते जाएंगी और आप सफल होते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।